मनबधों ने दुर्गा पूजा समिति के 3 सदस्यों को मारपीट कर किया घायल। दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्य मूर्ति विसर्जन न करने पर अड़े 3 नामजद 15 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा, 1 गिरफ्तार। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के पुलिस के आश्वासन के करीब 2 घंटे बाद मूर्तियां विसर्जन के लिए आगे बढ़ाया गया। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था लूंज पुंज होने का आरोप गोपागंज मऊ। दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान डांस को लेकर हुए विवाद में करीब 1 दर्जन से अधिक मनबड़ों ने दुर्गा पूजा समिति के 3 सदस्यों को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। समिति का एक सदस्य गंभीर रूप से घायल है, बताया जाता है। मारपीट के दौरान उसके सिर और मुंह पर गंभीर चोट आने के बाद उसे रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि चौक से उत्तर जनकल्याण पूजा समिति द्वारा शनिवार की देर शाम विसर्जन जुलूस निकाला गया। विसर्जन जुलूस में डीजे पर ही युवक डांस कर रहे थे। इसी दौरान कस्बे के ही करीब 1 दर्जन से अधिक पहुंचे मनबधों ने डांस करने को लेकर विवाद कर दिया, जिसके बाद समिति के 1 दर्जन से अधिक मनबधों ने डांस करने को लेकर आपस में विवाद करने लगे। बात बड़ी तो मन बड़ों ने बीच बचाव करने पहुंचे दुर्गा पूजा समिति के रितेश गुप्ता, अमित जायसवाल, अभिमन्यु जायसवाल को मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। मारपीट के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। किसी तरह वहां के लोगों ने घायल लोगों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। उधर समिति के सदस्यों को मारे पीटे जाने की सूचना के बाद विसर्जन जुलूस के दौरान अन्य दुर्गा पूजा समिति के कार्यकर्ताओं में आक्रोश भड़क गया और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग करने को लेकर सभी दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन जुलूस रोक दिया। घट का प्रतिमाओं के विसर्जन रोके जाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूलने लगे और नाराज समिति के कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने के बाद विसर्जन जुलूस आगे बढ़ाने के लिए मशक्कत करने लगे। लेकिन समिति के कार्यकर्ताओं अड़ियल रुख देख प्रशासन असहाय बना रहा। थोड़ी देर बाद सीओ घोसी भी घटनास्थल पर पहुंचे और आरोपियों को गिरफ्तार कर मुकदमा लिखे जाने के आश्वासन के बाद समिति के कार्यकर्ता तांत्रिक उसके बाद विसर्जन जुलूस किसी तरह आगे रवाना किया गया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष सुदेश सिंह ने बताया कि मारपीट में शामिल 3 लोगों के खिलाफ नामजद और 15 लोगों के खिलाफ अज्ञात धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया कि 1 आरोपी को पुलिस हिरासत में लेते हुए अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। उधर समिति के सदस्यों ने आरोप लगाया कि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था लूंज पुंज के चलते विसर्जन जुलूस में 1 दर्जन से अधिक मनबों ने जमकर करीब घंटा तक उत्पात मचाया और बीच बचाव करने पहुंचे समिति के सदस्यों को मारपीट कर घायल कर दिया। कहा कि विसर्जन जुलूस के दौरान मनबों ने पुलिस के बड़े छीन कर मारपीट करते और पुलिस तमाशा देखती रही।